Before starting the video, I would like to tell you something about ivpsguide.com. In their website, they provide a daily free question which help you to boost your preparation either for banking or SSC examination. Also, you can check out their test series which has high standard question with a detailed solution, and at the end of the each test, we provide with smart analysis that how well you performed, which are the area you must work on, and also test series are available in both language, that is Hindi as well as English. It is accessible on both desktop as well as mobile app, whichever suits on you. For more information, you can visit estore.ivpsguide.com. Now let's move toward our video. Hello friends, welcome to IVPS Guide. Today we will solve some question from direction and input and output topics, and this type of questions are very helpful for SBI PO 2019 as well as other bank exams also. And for more quality mock, visit www.ivpsguide.com. Let's see what are those questions. This is the question based on direction. This is the instruction part. This is the question. You have to draw the diagram based on this point, and based on the diagram you have to solve these two questions. Here a string of numbers is given as an input, and you have to find out the logic here applied in every steps. Then you have to apply this all logic in the new input question, and after solving this question you have to solve this question. Clear? So friends, I request you all to pause the video and try it by yourself first. So friends, सबसे पहले हम लोग direction question देख लेते हैं या instruction में क्या दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं हम लोग. Cap का मतलब क्या है? South. Percentage का मतलब क्या है? East. At the rate का मतलब क्या है? North. Hash का मतलब क्या है? West. डॉलर का मतलब क्या है? आइदर 2 मीटर और 3 मीटर. ये सिंबल का मतलब क्या है? आइदर 4 मीटर और 5 मीटर. दैट इज पी कैप क्यू, मीन्स पी इज साउथ ऑफ क्यू. क्यू के साउथ में पी होगा. पी कैप परसेंटेज क्यू, मीन्स पी इज साउथ ईस्ट ऑफ क्यू. क्यू के साउथ ईस्ट में पी होगा. P cap dollar Q means P is either 2 meter or 3 meter south of Q. Q के south में P है, इसका distance क्या हो सकता है? हो सकता है 2 meter हो या तो 3 meter होगा. Clear? अब हम लोग question देख लेते हैं इसके. Friends, हमने यहाँ पे सारे symbol को एक बार फिर से लिख लिया है rough point में. यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है? H कैप डॉलर G. कैप का मतलब क्या है? साउथ. डॉलर का मतलब क्या है? आइदर 2 मीटर या तो 3 मीटर होगा. इसका मतलब क्या है? H इज आइदर 2 मीटर और 3 मीटर साउथ ऑफ G. तो H कौन से डायरेक्शन में है? H साउथ में है G के. G के साउथ में H हो गया, और इसका डिस्टेंस क्या है? आइदर 2 मीटर या 3 मीटर. क्लियर? फिफ्थ पॉइंट क्या बोला है? F परसेंटेज डॉलर G. तो परसेंटेज का मतलब क्या है? ईस्ट. और डॉलर का मतलब क्या है? 2 या तो 3. तो क्या हो जाएगा इसमें? F इज आइदर 2 मीटर और 3 मीटर ईस्ट ऑफ जी. जी के ईस्ट में कौन है? एफ है. डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2 या तो 3. क्लियर? सेकेंड पॉइंट, एफ एट द रेट हैश ई. एट द रेट का मतलब क्या है? नॉर्थ. हैश का मतलब क्या है? वेस्ट. तो क्या बोला गया यहां पे? एफ इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ ई. अब यहां पे नाइन्थ पॉइंट देख लीजिए. ई और एफ का डिस्टेंस क्या हो गया यहां पे? 4 या तो 5 मीटर. क्लियर? यहां पे क्या हो जाएगा? 4 मीटर या तो 5 मीटर. क्लियर? और यहां पे एफ इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ ई. क्लियर?
जिस तरह से हो जाएगा, और डिस्टेंस क्या है, 4 या तो 5 मीटर, क्लियर। यहाँ पे पॉइंट ई है, क्लियर। सिक्स्थ पॉइंट, ई परसेंटेज सिंबल डी, परसेंटेज का मतलब क्या है, ई है, और डिस्टेंस क्या है, या तो 4 होगा या तो 5 होगा। ई इज आइदर 4 मीटर या 5 मीटर डिस्टेंस ईस्ट ऑफ डी, क्लियर। तो पॉइंट डी यहां पे है और डिस्टेंस कितना हुआ है, 4 या तो 5, क्लियर। सेवेंथ पॉइंट, डी एट द रेट नॉर्थ, और ये सिंबल क्या है, 4 या तो 5, मतलब क्या है, डी इज आइदर 4 मीटर या 5 मीटर नॉर्थ ऑफ सी। सी के नॉर्थ में डी है, सी के नॉर्थ में डी है, डिस्टेंस क्या है, 4 या तो 5, क्लियर। अब एट पॉइंट देख लीजिए, जी एट द रेट सी, एट द रेट का मतलब क्या है, नॉर्थ है, इसका मतलब क्या है, सी के नॉर्थ में जी होगा, तो सी यहां पे होगा, डी यहां पे होगा, तभी तो सी के नॉर्थ में जी होगा, क्लियर। थर्ड पॉइंट, डी हैश डॉलर सी, हैश का मतलब क्या है, वेस्ट है, डॉलर का मतलब 2 या तो 3 मीटर, बी इज आइदर 2 मीटर और 3 मीटर वेस्ट ऑफ सी, सी के वेस्ट में बी होगा, डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर या 3 मीटर, क्लियर। फोर्थ पॉइंट, ए हैश एच, हैश मीन्स वेस्ट, ए इज वेस्ट ऑफ एच, एच के वेस्ट में ए है, क्लियर। अब लास्ट पॉइंट देख लीजिए, ए एट द रेट बी, एट द रेट का मतलब क्या है, नॉर्थ, ए इज नॉर्थ ऑफ बी, बी के नॉर्थ में ठीक ए है, क्लियर। तो यहां पे क्या लिखा गया है, 11th पॉइंट में ई एफ का जो डिस्टेंस है क्या है, बड़ा है किससे, सी डी का डिस्टेंस से, क्लियर। 12th पॉइंट क्या बोला है, बी सी का जो डिस्टेंस है वो क्या है, बड़ा है किससे, एफ जी का डिस्टेंस से, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, सी जी का डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन ए एच प्लस जी एच इक्वल्स ई डी, क्लियर। फ्रेंड्स यहाँ पे सी जी का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर है, सी जी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 8 मीटर, क्लियर। यहाँ पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ई और एफ का यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, 4 या तो 5, अगर हम लोग ई और एफ का डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग मान लीजिए 4 मीटर है, तो ये परपेंडिकुलर का डिस्टेंस 4 से कम होना चाहिए, 4 से कम होगा, या तो हो सकता है 2 हो या तो 3 हो या तो 1 हो, ये तीनों में से कोई हो सकता है, पर यहाँ पे देख लीजिए 2 3, बस इतना ही डिस्टेंस को 2 या तो 3 मीटर बोला गया है, ये पूरा डिस्टेंस को 2 या तो 3 मीटर नहीं बोला गया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 मीटर डिस्टेंस, ई और एफ का डिस्टेंस हम लोग ले नहीं सकते हैं, क्लियर। सो फ्रेंड्स ई और एफ का डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर का यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये डिस्टेंस अगर 4 है तो ये डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ताकि जी सी का डिस्टेंस क्या होगा, 8 मीटर, इसका मतलब डी और सी का डिस्टेंस क्या होगा, 4 मीटर, क्लियर।
सो फ्रेंड्स हम लोग ये वाला डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर का डिस्टेंस 4 है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस क्या है 5 है, तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो 5 स्क्वायर इक्वल्स 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस 16 इक्वल्स x स्क्वायर, दैट इज 9। ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 5 माइनस 3 2 आएगा, मीन्स ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 हो रहा है, और 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ रहा है ये वाला डिस्टेंस। तो ये वाला जो डिस्टेंस आ रहा है 2 या तो 1 इज इक्वल टू जी एफ का डिस्टेंस, जी एफ का यहाँ पे डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 2 या तो 3, तो 1 तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब क्या है जी और एफ का डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर। अब फ्रेंड्स ये वाला कंडीशन देखिए, बी सी का डिस्टेंस जो भी होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा एफ जी से, तो यहाँ पे एफ जी का डिस्टेंस क्या है 2 है, तो 2 से बड़ा होना चाहिए बी सी का डिस्टेंस, तो यहाँ पे बी सी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है ए एच का भी डिस्टेंस क्या होना चाहिए यहाँ पे 3 होगा। क्लियर। अब ये वाला कंडीशन यहाँ पे देख लीजिए, ए एच का यहाँ पे डिस्टेंस कितना निकला 3, प्लस जी एच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए 2 या तो 3 होगा, इक्वल्स ई डी, ई डी का डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 5 है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए जो 5 आएगा, 3 प्लस 2 5 आता है, तो यहाँ पे जी और एच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर। और एच से डी का डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये तो रहा फाइनल डायग्राम ऑफ दिस डायरेक्शन क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स इस डायग्राम के बेस्ड हम लोग वो दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी कहाँ पे है यहाँ पे है, और ए कहाँ पे है यहाँ पे है, तो हम लोगों को ए का पोजीशन बताना है विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी के नॉर्थ में क्या है ए है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा, और यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया गया है ऑप्शन में, तो डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे 6 होगा, तो ऑप्शन क्या है ऑप्शन डी। क्लियर। डी और सी का डिस्टेंस यहाँ पे 4 है, और एच और डी का डिस्टेंस यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था 2 है, तो 4 प्लस 2 दैट इज 6, तो ए और बी का डिस्टेंस यहाँ पे 6 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी दैट इज 6 मीटर एंड नॉर्थ। क्लियर। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू ए, एफ कहाँ पे है यहाँ पे है, तो पोजीशन क्या है यहाँ पे एफ का विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, तो ऑप्शन क्या है ऑप्शन बी नॉर्थ ईस्ट। क्लियर। ये क्या है, ये इनपुट है, और यहाँ पे एरो का मतलब क्या है, इन सारे एरो का मतलब क्या है, इन सारे एरो का मतलब ये है कि इस बॉक्स में जो भी नंबर है और इस बॉक्स में जो भी नंबर है, इन नंबर के बीच में कोई लॉजिक अप्लाई किया गया है फिर ये नंबर आया है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले स्टेप 1 देख लेते हैं, स्टेप 1 कैसे आया है, क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है इस दोनों बॉक्स के अंदर में जो नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, 4 का स्क्वायर जो कि फर्स्ट बॉक्स के फर्स्ट नंबर है, प्लस 5 स्क्वायर दैट इज सेकंड बॉक्स के सेकंड नंबर 5 स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या किया गया है, 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 3 स्क्वायर फर्स्ट बॉक्स के सेकंड नंबर और 8 सेकेंड बॉक्स के फर्स्ट नंबर। ठीक है, और इन दोनों नंबर जो आएगा उनका डिफरेंस निकालना है, तो ये नंबर आएगा, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना आ रहा है 41, और 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना आएगा 73, तो 73 माइनस 41 कितना आएगा 32। ठीक, सिमिलरली हम लोग इस बॉक्स में अप्लाई करेंगे, दैट इज 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना आएगा
दैट इज 58, और 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना आएगा, 40। तो यहाँ पे क्या करना है, 58 माइनस 40 दैट इज 80। ये सिमिलरली हम लोग इस दो बॉक्स में भी अप्लाई वही सेम लॉजिक है, 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो कितना आएगा, 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होगा, 52, एंड 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना होगा, 89, और 89 माइनस 52 कितना आएगा, 37। सिमिलरली हम लोग इस बॉक्स में भी अप्लाई करेंगे लॉजिक, 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 50, फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 5, तो 50 माइनस 5 दैट इज 45। ठीक है, अब हम लोग स्टेप 2 में देखते हैं क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है। 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 फर्स्ट बॉक्स के फर्स्ट नंबर और 2 दैट इज फर्स्ट बॉक्स के सेकेंड नंबर, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना आएगा, 13। सिमिलरली हम लोग इस बॉक्स में भी अप्लाई करेंगे वो लॉजिक, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर दैट इज 65। फिर क्या करेंगे, 65 माइनस 13 दैट इज हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 52 आएगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग ये दोनों बॉक्स में सेम अप्लाई करेंगे लॉजिक, दैट इज 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 58, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज 41। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, 58 माइनस 41 दैट इज 17। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्टेप 3 में क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है। यहाँ पे बस एक ही एरो दिया गया है, मतलब इस बॉक्स के नंबर में कुछ अप्लाई किया गया है लॉजिक, तब जाके 12 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लॉजिक अप्लाई किया जा सकता है, 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दैट इज 21। अब इसको क्या किया गया है, 21 को रिवर्स कर दिया गया है, तो क्या आया, 12। ठीक है, अब हम लोग इसमें भी वही लॉजिक अप्लाई करेंगे, दैट इज 7 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, मतलब बड़ा नंबर का स्क्वायर और माइनस छोटे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 48। फिर इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे तो कितना आएगा, 84। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्टेप 4 में क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है। फर्स्ट बॉक्स से फर्स्ट नंबर 1 इंटू, सेकेंड बॉक्स से सेकेंड नंबर 1 इंटू 4 दैट इज 4, फिर फर्स्ट बॉक्स से सेकेंड नंबर दैट इज 2, और सेकेंड बॉक्स से फर्स्ट नंबर दैट इज 8 दैट इज 16, फिर 16 माइनस 4 दैट इज 12। डिफरेंस निकाले हम लोग, 16 माइनस 4 12 है। अब इस नंबर को फिर से हम लोगों को क्या करना है, रिवर्स करना है, दैट इज 21। ठीक, अब हम लोग इस इनपुट को सॉल्व करते हैं। क्लियर? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टेप 1 में हम लोग क्या लॉजिक अप्लाई किए थे, स्टेप 1 में 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कितना आता है, 58। फिर हम लोग क्या करते हैं, 6 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आता है, 40। तो यहाँ पे 58 माइनस 40 कितना आएगा, 18। क्लियर? फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 80। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज 61। तो यहाँ पे 80 माइनस 61 कितना आएगा, 19। फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना आएगा, 19। फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज 61 कितना आएगा, 90 माइनस 61 दैट इज 29। क्लियर? इस वाले में भी सेम करेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज 61, फिर 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज 52। 61 माइनस 52
कितना आता है 37। क्लियर। अब हम लोग स्टेप टू करते हैं। स्टेप टू के लिए हम लोग ये वाला नंबर और ये वाला नंबर लेते हैं, ये नंबर और ये नंबर लेते हैं। क्लियर। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर दैट इज 65। फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर दैट इज 82। फिर हम लोग इसका और इसका क्या डिफरेंस निकालते हैं, दैट इज 17। क्लियर। फिर सेम इसमें भी वही लॉजिक अप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर दैट इज 85। फिर इसमें भी वही सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे, दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर दैट इज 58। फिर इसका और इसका डिफरेंस हम लोग निकालेंगे, कितना आएगा 27। क्लियर। अब हम लोग स्टेप थ्री निकालते हैं। स्टेप थ्री इस वाले नंबर से निकलता है, फिर इस वाले नंबर से लॉजिक अप्लाई करते हैं तो निकलता है स्टेप थ्री। लॉजिक क्या था, 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 48। फिर हम लोग इस नंबर को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, दैट इज 8, 4 आता है। क्लियर। सिमिलरली हम लोग इस वाले नंबर में करेंगे, दैट इज 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना आता है 45। अब हम लोग इसको रिवर्स करेंगे, दैट इज 5, 4। क्लियर। अब हम लोग लास्ट स्टेप निकालेंगे, दैट इज स्टेप फोर। स्टेप फोर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर से हम लोग फर्स्ट वाले नंबर को लेते हैं और इस वाले बॉक्स से सेकेंड नंबर लेते हैं, 8 × 4 दैट इज 32। फिर हम लोग इस वाले बॉक्स से सेकेंड नंबर लेते हैं, फिर इस बॉक्स से हम लोग सेकेंड वाला नंबर लेंगे 4, और इस बॉक्स से हम लोग फर्स्ट वाला नंबर लेंगे दैट इज 4 × 5 दैट इज 20 आएगा। फिर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, 32 माइनस 20 दैट इज 12। फिर हम लोग ये नंबर क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, रिवर्स करके कितना आ रहा है 21। क्लियर। अब हम लोग इस इनपुट के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ लोएस्ट नंबर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3। स्टेप 3 में लोएस्ट नंबर कौन सा है, 54 है। तो 54 के डिजिट्स को हम लोग सम करेंगे तो कितना आएगा, 5 + 4 दैट इज 9। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। क्लियर। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज सेकेंड लोएस्ट इन स्टेप 1। स्टेप 1 में सेकेंड लोएस्ट कौन सा है नंबर है, 18 क्या है, लोएस्ट है, सेकेंड लोएस्ट 19 होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर इन स्टेप 2। स्टेप 2 में 17 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 440। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।